गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 मई, लॉकडाउन का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। उठने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उठ गया हूँ। मम्मी आपके रूम की भी छत उतारनी है? अच्छा आज कॉफी बना तो लिया है मगर वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं है। आज छुट्टी करने का मन कर रहा है। अब तो मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। कल मैंने अपने YouTube के एनालिटिक्स चेक किए, उसमें पता लगा कि 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा बट मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मुझे 12 जून से पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आज कम्प्लीट करने हैं, जो कि इस टाइम मेरे कुछ 735 सब्सक्राइबर हैं और 1400 आवर्स हैं वॉच टाइम आवर्स। तो उसको 4000 तक पहुंचाना है 12 जून से पहले। वहां से मैं सोचूंगा कि मेरा करियर अब स्टार्ट हुआ है यूट्यूब में। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए और 4000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि जो मैंने पिछला 1 साल इसमें इन्वेस्ट किया है वो फ्रूटफुल हो जाए। आज वर्कआउट का मन तो बिल्कुल नहीं था बट उठ गया था एंड कॉफ़ी भी पी ली थी। तो थोड़ी देर ऐसी स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ा बहुत लाइट सा कर लेते हैं आज। के रोज कोई ना कोई पानी बहाता ही रहता है। आजकल लोग ऑक्सीजन को रो रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब लोग पानी को रोएंगे। देख ली मेरी वीडियो? ये सूख गया होगा, वही मैंने सोचा होगा ना, ये अभी सूखा नहीं तभी तो सोचता नहीं है। बस 30 भी गए हैं, शरीर में हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द। तो कल की तो है, आज की तो नहीं है, आज की तो अभी बन रही है। शॉपिंग करा। थैंक यू, आपने मेरे को अलाउ किया शॉपिंग के लिए। आपके लिए कुछ लाने? काम से जा रहे हैं, पता रखे हैं बंद है, फिर काम क्या काम बंद कर दो, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी देख रहा हूँ, हम सफाई करते हैं लेकिन क्या करते हैं लोग, मेरे को ये मजबूरी है, दवाई लेने जा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, खयो करना है पुलिस का। वैसे लोग बेफालतू में घूम रहे हैं ज्यादा। नहीं अभी सफाई करूँगा ना तो झूठ बोल देते हैं, दवाई लेने जा रहा हूँ। ये बात प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ या तो। ये दवाई लेने जा रहा है जी, दवा लेने के लिए। बताइए इनको दवाई।
रस्सी रस्सी बंद करता हूँ आज ही एक्टिव हुए हैं ये नहीं है वैसे हम हमको हमने बोला है पहाड़ है ये इनके को हम पूछते हैं वो कह रहे हैं दिखा रहे हैं कि कितना लोग घूम रहे हैं। अच्छा आपकी ड्यूटी है कब तक? मेरी 3 बजे तक। 3 बजे तक? हाँ। कितने बजे से हो जाती है स्टार्ट? सुबह से। मुश्किल तो आती होगी, मुश्किल आजकल तो बहुत ही होगी, बहुत ज्यादा हो रही है सर। आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। सीएम साहब देख रहे हैं गुड़गांव। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अच्छा काम कर रहे हैं आप। कर रहे हैं मैं ब्लॉगिंग। मम्मी मैं रेडी हो गया। क्या बनाया आज? आज मैंने एक खास डिश बनाई है, खास बताना कैसे बनी। क्या डिश है? क्या हलवा बनाया? गोभी दिख नहीं रही। गोभी तो नहीं दिख रही, हलवा सा लग रहा है। पिछले साल कोविड के चलते सरकार ने कितने सैनिटाइजर छिड़कवाए थे सड़कों पे, और सड़कें भी उस टाइम सूनी रहती थी, बैरिकेडिंग थी हर जगह, ध्यान रखा जाता था कोई बेफालतू में घूमे ना, लोगों में भी खौफ था। और पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल कोविड बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। हर जगह ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं बेफालतू में बाहर घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। एक बात हमेशा याद रखना, जब सेहत गड़बड़ाए, ऑक्सीजन भी मिल ना पाए, कोई नोटों के बंडल भी काम ना आए, सिर्फ घर की 4 दीवारी याद आए, बेकार में जो बाहर घूम रहे हैं कृपया करके ना घूमिए। जब तक कोई जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कोविड को खत्म करने का। मैं मानता हूँ कमाई करना जरूरी है, आखिर पापी पेट का सवाल है। नौकरी पे नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी, बॉस नाराज हो जाएगा, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई गलती से इस बीमारी की चपेट में आ गया तो ना ये कुछ दिन की तनख्वाह काम आनी है, ना वो ऊपर बैठा हुआ बॉस। बात कड़वी है लेकिन सच है, नौकरी में पसीना बहा लेना लेकिन खून नहीं। क्या कर 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 रहे हो? धनिया पड़ा था जरा सा, चटनी बना लो, हरी मिर्ची थी नहीं। अच्छा। लाल डाली है, शक्ल अलग सी बन रही है। ये क्या बनाया? मटर पुलाव। तफरियां नहीं छोड़ते लोग, चाहे जितनी लॉकडाउन हो जाए। ठीक है, चलो बाय। रुको मैं नीचे आ रहा हूँ, आप जाओ। तो आज के व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए छोड़ो प्यार और बढ़ो नमस्कार, ख्याल रखिएगा। ओके बाय।